एजुकेशन शुल्क लागू किया और 2009 में 2009 में कांग्रेस सरकार यूपीए सरकार जो शिक्षा जो शुल्क को जो 3% कर दिया और अभी अभी ये जो बीजेपी सरकार ये जो शुल्क को जो एजुकेशन शुल्क को 4% कर दिया। क्या के रिपोर्ट के अनुसार अभी केंद्र सरकार बजट से शिक्षा के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे जनता से जो पैसा टैक्स वो कलेक्ट कर रहा है एजुकेशन शुल्क के तहत वही पैसा शिक्षा के लिए भी पूरी तरीके से खर्च नहीं हो रहा है। क्या के रिपोर्ट के अनुसार अभी 87,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा जो शिक्षा की शुल्क के तहत इकट्ठा हुआ है वो शिक्षा के लिए खर्च ना करके अभी सरकार अपने लिए खर्च कर रहा है। तो खुद सरकार अभी जो पॉलिसी लिया है जो नीति लिया है जो शिक्षा का निजीकरण शिक्षा का व्यापारीकरण और तेज रफ्तार से बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं जो कोटा जो राजस्थान का कोटा जहाँ पर छात्र जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग लेने के लिए वहाँ पर कितनी संख्या में भारी संख्या में छात्र आज खुदकुशी कर रहे हैं। आज जो कोटा शहर वो छात्रों के लिए कब्रिस्तान बन गया है। अभी फार्मर्स जिस तरीके से इस देश का किसान जिस तरीके से इस देश का मजदूर जिस तरीके से खुदकुशी कर रहे हैं इस देश में अभी छात्र इस देश का छात्र इस देश का भविष्य आज अभी खुदकुशी कर रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं। और अभी जो सरकार ये खुद सरकार एक हथियारी बन के एक खुद छात्रों को हत्या कर रहे हैं। और जो सरकार जो नीति लिया है ये नीति के तहत अभी और ये जो खुदकुशी की संख्या और बढ़ता जाएगा। साथियों ये सरकार अभी आने के बाद अभी 2 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गया। अभी सरकारी स्कूल बंद हो गया जब 2009 में शिक्षा अधिकार कानून लाया गया था। ये सरकार बोले थे जो हम हर गांव में हम स्कूल खोलेंगे। बोले थे हर 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगे हर 3 किलोमीटर के अंदर हम हाई स्कूल खोलेंगे हम शिक्षा की दिया जलाएंगे घर घर में जलाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है अभी सरकार बोल रहे हैं अभी हम स्कूल सरकारी स्कूल बंद करेंगे। 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल इस देश में बंद हो गया। साथियों अभी एक तरफ ये सरकार ऑटोनॉमी को छीन रहा है यूजीसी को तोड़ रहा है एजुकेशन कमीशन बना रहा है एक तरफ शिक्षा का निजीकरण व्यापारीकरण को बना रहा है दूसरी तरफ शिक्षा की सांप्रदायिकरण हो रहा है। जो दीनानाथ भद्रा जो आरएसएस का प्रमुख है वही दीनानाथ भद्रा का जो कोर्स है जो गुजरात में पढ़ाया जा रहा है जो हरियाणा में पढ़ाया जा रहा है वही जो दीनानाथ भद्रा का जो कम्युनलाइज्ड की जो टेक्स्ट बुक है वही टेक्स्ट बुक को अभी हमारे शिक्षा में लोग ला रहे हैं। पहले शिक्षा सुधार के नाम पर वो लोग बोले थे जो हम किताबों से हम विदेशी को हटाएंगे। किसको विदेशी कौन है हम न्यूटन को हटाएंगे हम आइंस्टाइन को हटाएंगे। अभी शिक्षा के सुधार के नाम पर अभी बोल रहे हैं हम मिर्जा गालिब को हटाएंगे हम प्रेमचंद को हटाएंगे हम शिक्षा से कोर्स करिकुलम से हम अभी रविंद्रनाथ को हटाएंगे। मतलब क्या है ये साफ तौर पर बोल रहे हैं जो शिक्षा का जो निजी सांप्रदायिकरण वो लोग बोल रहे हैं हमारा ये जो देश का सभ्यता है ये आर्य सभ्यता है लेकिन इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो साथियों ये जो धर्म के नाम पर जात के नाम पर ये जो देश को बांटने के लिए मजदूर को जो मेहनत की संख्या को बांटने के लिए ये जो साजिश से सरकार रच रही है उसके खिलाफ आज का ये लड़ाई पूरे देश भर बुलंद करी है। ये सरकार सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं ये जो सरकार है ये तो एक मैनेजर है ये टाटा अंबानी अदानी बिरला ये जो पूंजीपति वर्ग का ये एक पॉलिटिकल मैनेजर है ये पॉलिटिकल मैनेजर है
एक पॉलिटिकल मैनेजर, एक दिन कांग्रेस था उसको हटा दिए और एक पॉलिटिकल मैनेजर अभी बैठा है, वो मोदी सरकार है। पॉलिटिकल मैनेजर वो जाएंगे आएंगे, लेकिन जो सत्ता से जो बुर्जुआ वर्ग वो सरकार चलाएंगे। इसलिए ये जो लड़ाई, ये सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट के लिए नहीं, खिलाफ नहीं, ये जो लड़ाई है ये रूलिंग क्लास के खिलाफ लड़ाई। ये रूलिंग क्लास जो पर्दे के पीछे रहकर रिमोट हाथ में लेके जो सरकार चला रही है, वही रूलिंग क्लास को जो पूंजीपति वर्ग है, साम्राज्यवादी वर्ग है, उसके खिलाफ ये जो लड़ाई, ये एक मामूली लड़ाई नहीं है, ये एक आम लड़ाई नहीं है, ये एक जबरदस्त लड़ाई है। ये जो फासिस्ट के खिलाफ जिस तरीके से जर्मन में स्टूडेंट लोग लड़ाई किए थे, जिस तरीके से हिटलर के खिलाफ, मुसोलिनी के खिलाफ जो लड़ाई किए थे, जिस तरीके से सोवियत रशिया को बचाने के लिए, जो समाजवादी रशिया को बचा, रशिया को बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों छात्र नौजवान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद होकर ये देश को बचाए थे, ये समाज को, सभ्यता को बचाए थे, मानवता को बचाए थे, इस तरीके से लड़ाई, ये लड़ाई में आप लोग को शामिल होना पड़ेगा, हम लोग को शामिल होना पड़ेगा। जो भगत सिंह बोले थे, ये बहनों को सुनाने के लिए और ऊंची आवाज की जरूरत होती है, ये ऊंची आवाज सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ला में, हर इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए। स्टूडेंट्स एक पॉलिटिकल फोर्स है, छात्र, छात्र का कोई जात नहीं है, छात्र का कोई धर्म नहीं है, छात्र एक धर्म है, छात्र सबसे बड़ा पहचान है। इसलिए छात्र एक पॉलिटिकल ताकत है, एक राजनैतिक ताकत है। इस देश के आजादी आंदोलन के समय जब छात्र नौजवान स्कूल छोड़ के, जब देशबंधु चित्तरंजन दास ने आह्वान किए थे, जय एजुकेशन कैन वेट बट स्ट्रगल फॉर स्वराज कैन नॉट वेट, शिक्षा इंतजार कर सकती है, परीक्षा इंतजार कर सकती है, लेकिन ये स्वराज के लिए, ये आंदोलन के देश आजाद के लिए, आजादी के लिए ये जो लड़ाई, ये इंतजार नहीं करती है। इसलिए ये मानवता को बचाने के लिए जो लड़ाई, जिस समय ये लड़ाई में छात्र नौजवान कूद पड़े तो देश का इतिहास में हलचल पैदा हो गया, अंग्रेज साम्राज्य के तनाशाही फूल उठा, कंप उठा, एक भूकंप, एक क्रांति का एक शुरुआत शुरू हो गई। इस तरीके से आप लोग को मैं गुजारिश आप लोग को करूंगा, ऑल इंडिया जीएसओ के तरफ से, एआईडीएसओ के तरफ से और ये जो लेफ्ट यूनिटी के तरफ से मैं करूंगा, आप लोग आइए। आज देश को जरूरत है एक सही अल्टरनेटिव, ये पार्लियामेंटरी पॉलिटिक्स अल्टरनेटिव नहीं है, देश को जरूरत है ये जो क्रांतिकारी लड़ाई, ये एक अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव के लिए आप सही तरीके से, आज जो लेफ्ट यूनिटी चाहिए, लेफ्ट डेमोक्रेटिक यूनिटी चाहिए, ये जो यूनिटी, ये जनता को ताकत देगा, ये मेहनत कर जनता को ताकत देगा, ये यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये जो सेक्टरियन एटीट्यूड से हमको मुक्त होना पड़ेगा, हमको एक ब्रदर यूनिटी करना पड़ेगा, एक नीति के आधार पर, एक सही राजनीति के आधार पर हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। यही बात बोल के मैं अपना वक्तव्य खत्म कर रहा हूँ, फिर सब आप सभी को क्रांतिकारी बधाई, क्रांतिकारी लाल सलाम देता हुए मेरा वक्तव्य खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।